नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साथियों, मित्रों, अग्रज अनुज, अग्रजा अनुजा, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2019 के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं इस एडमिशन के लिए। अभी पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर करना होगा, इसके बाद फिर फाइनली जब कट ऑफ लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, तो उसके बाद में आपको कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपया इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लाखों लाख स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे इस साल। हालांकि CBSE, ICSE और सारे स्टेट बोर्ड के रिजल्ट लगभग अभी तक डिक्लेयर हो चुके हैं, क्लास 10th और 12th के दोनों ही, और बहुत सारे लोग अपने कॉलेज की दुनिया में कदम रखने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्था में जाने के लिए बेताब होंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 27 मई से DU अपना एडमिशन एप्लीकेशन 2019 के लिए शुरू कर रहा है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, DU.AC.IN पर। इसके साथ ही साथ आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एंड एट द टाइम ऑफ एडमिशन आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ मेरिट लिस्ट या कट ऑफ लिस्ट आपको क्या क्या चीजें लेकर आनी होगी। ऑलराइट, कृपया इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके महामना एजुकेशन हब का बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट यू कॉन्ट मिस एनी वीडियो रिगार्डिंग एजुकेशन इन फ्यूचर। सो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आज ही, इनफैक्ट काफी सारे मीडिया चैनल्स के सामने में उनके एडमिशन इंचार्ज श्री राजीव गुप्ता का कहना है कि ये डॉक्यूमेंट्स जारी किए जाएंगे। कुछ कुछ बेस्ट ऑफ 4 फॉर्मूला भी लाया गया है ऑटोमेटिकली, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन योर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन विच यू हैव फिल्ड। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है, इसे कृपया ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहला है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मैक्सिमम साइज 50 KB। अभी से आप बना के रख सकते हैं, क्योंकि 27 तारीख को आप हर हालत में इस चीज को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर मैक्सिमम साइज 50 KB। इसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ मैक्सिमम साइज 50 KB, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ हो आपका, लाइक आधार कार्ड एंड समथिंग एनीथिंग, उसका भी फोटोकॉपी जो होगा वो 50 KB का होगा मैक्सिमम। देयर आफ्टर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एक आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका पर्सनल। ईमेल आईडी अगर अभी तक नहीं है आपका तो आप बना सकते हैं, सो दैट जो भी मैसेज इन्फॉर्मेशन आना होगा वो आपके ईमेल आईडी पर ही आएगा। इसके अलावा क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट, इसके अलावा क्लास 12th मार्कशीट इफ रिजल्ट्स डिक्लेयर, क्लास 12th सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, ओके, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स इफ एप्लीकेबल। अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करना चाहता है तो पिछले 3 सालों के सर्टिफिकेट उन्हें लगाने होंगे, इन द सेंस की फोटोग्राफ करके अपलोड करने होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ECA कोटा लगाता है, जो आप अलग करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते होंगे या बहुत अच्छी एक्टिंग करते होंगे, डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ये सारी चीजों के लिए भी वरीयता है, इसमें आपको एडमिशन देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये सब सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे अगर आपके पास हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और इसके बाद कट ऑफ लिस्ट जारी होगी फाइनली, ऑलराइट, और कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद में जो चीजें आपके एडमिशन के टाइम पर ओरिजिनल के रूप में खोजी जाएंगी, आपसे मांगी जाएंगी, वो हैं, कृपया ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट एंड क्लास 12th प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। इसके अलावा रिसेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पिछले 6 महीने, मतलब 6 महीने से ज़्यादा पुराना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, और जितना निवेस्ट हो सके वो आप ला के दिखाएंगे। देन SC ST PWD CWKM सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट इशूड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर आप कोई भी कैटेगरी चाहते हैं तो उसके लिए, उसको प्रूफ के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट इफ इन द सेंट्रल लिस्ट। ओबीसी अगर नॉन क्रिमिलियर में है तो आपका कास्ट, ये इनकम सर्टिफिकेट भी उसके लिए लाना है, ऑलराइट, और
कास्ट सर्टिफिकेट भी लाना है। इसके बाद टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज एज वेल एज माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली। तो टीसी आपको लाना होगा उस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज से, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहां से अगर आप मतलब दूसरे स्टेट से पास करके आए हो अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, और लास्ट टू पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपके चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये थे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप अभी से जुटा के रख लीजिए इन सब चीजों की, बिल्कुल कोई गलती नहीं हो, ताकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिले। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, तो आपको निश्चित रूप से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट मैम हर किसी का सपना होता है कि अगर कॉलेज लाइफ की बात करें तो सेंट स्टीफन्स में पढ़े, अगर कॉलेज लाइफ की बात करें तो किरोड़ी मल में पढ़ें, अगर कॉलेज लाइफ की बात करें तो हंसराज जैसे कॉलेज में पढ़ें, तो और भी कई सारे तमाम कॉलेज हैं जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और एक बार फिर से कह देता हूं कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखें महामना एजुकेशन हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल।